वादळ वाऱ्यांचा काळ असो कठीण कितीही वाट दिसो ही वाट चालना थांबणार अरे बघतो कोण अडवणार आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा ध्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मनाने साधकातली आदेशाने बोला मुझा संगे कोण येणार बोला मुझा संगे कोण येणार बोला मुझा संगे येणार ना माझ हे एक पाऊल मिळे तुझ्या पावला सोबतीने एक होई देश आपला सोबतीने पावन भूमीवर सुख शांती नांदेल इथे प्रेमाने विळल्या रीतींवर महागाईच्या वरती मात करू मात करू बेरोजगारीशी दोन हात करू हात करू ए प्रगतीची आस ठेवूया सद्भावनेची कास धरूया
उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते झुका के मानेंगे बेरोजगारी से बचा लड़ाई
असो कठिन किती ही वाट दिसो ही वाट चालना थांबणार अरे भक्तो कोण अडवणार आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा ध्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मनाने साध घातली आदेशाने बोला मुझा संगे कोण येणार बोला मुझा संगे येणार ना माझ हे एक पाऊल मिळे तुझ्या पावला सोबतीने एक होई देश आपला सोबतीने पावन भूमी पर सुख शांति नांदेल इथे प्रेमाने विडल्या रीतींवर महागाईच्या वरती मात करू मात करू बेरोजगारीशी दोन हात करू हात करू हे प्रगतीची आस ठेवूया सद्भावनेची कास धरूया
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया
वादळ वाऱ्यांचा काळ असो कठीण कितीही वाट दिसो ही वाट चालना थांबणार अरे बघतो कोण अडवणार आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा ध्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मनाने साध घातली या देशाने बोला मुझा संगे कोण येणार बोला मुझा संगे कोण येणार बोला मुझा संगे येणार ना माझं हे एक पाऊल मिळे तुझ्या पावला सोबतीने एक होई देश आपला सोबतीने पावन भूमी पर सुख शांति नांदेल इथे प्रेमाने विणल्या रीतींवर महागाईच्या वरती मात करू मात करू बेरोजगारीशी दोन हात करू हात करू ए प्रगतीची आस ठेवूया सद्भावनेची कास धरूया
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया लड़ाएंगे, लड़ाएंगे।
निशाने बोला अमुजा संगे कोड़ ये नान बोला अमुजा संगे कोड़ ये नान बोला अमुजा संगे ये नार ना माजो है एक पाउल मिले तुझा पागला सोबती ने
मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया असो कठिन किती ही वाट दिसो ही वाट चालना थांबणार अरे भक्तो कोण अडवणार आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा त्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मनाने साद घातली या देशाने
दर्शन मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया डॉक्टर अभय शुक्ला। आम्ही आरोग्याशी संबंधित वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या विषयांवर बोललो, त्याच्यानंतर प्रायव्हेटायझेशन जो चालू आहे, म्हणजे ज्याला आम्ही अडाणी मॉडेल म्हणतो, कच्छमध्ये अडाणीने जो एक मोठा सरकारी रुग्णालय आहे ते त्यांनी ताब्यात घेतलं आहे आणि तो मॉडेल आता 5 राज्यांमध्ये लागू केला जातो आहे। तिथे 300 खाटांच्या वरचे जे मोठे हॉस्पिटल्स आहेत, सरकारी हॉस्पिटल, हे कंपन्यांच्या हातात दिले जाणार आहेत मेडिकल कॉलेज चालवायला। एव्हरी दिस आर ऑल 5 DGP रूट स्टेट्स नाउ। Everywhere this Adani model is being pushed. It has not been publicized actually much. हमारा जो पोस्टर है अडानी मॉडल का, चक्कर छोड़ो भारत जोड़ो, आर इम्प्लीमेंटिंग दिस अडानी मॉडल विच इज बीइंग पुश्ड बाय द नीति आयोग। यस इट्स क्रेजी। MP में 300 बेडेड हॉस्पिटल्स आर बीइंग साइंड ऑफ फॉर 99 years, दे आर बीइंग हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज। We should first of all oppose it and say that instead of implementing this completely flawed model in which people will have to pay for health services which are free until now, the ha model thambvayla paije kolte paristhiti madhe te intelligent ahet ani te sensitive ahet। आम्हाला असं वाटत होतं हे मुद्दे कुठेतरी आम्हाला मार्गी लावायचे आहेत आणि म्हणून आमचे प्रयत्न होते की आम्ही त्यांच्यापर्यंत, हे एक यात्रा आहे ज्याच्यामध्ये आपण भारतला जोडतो, तर भारतचे जे ग्रासरूटचे प्रश्न आहे ते नक्कीच ते ऐकले जाणार आहेत म्हणून आम्ही नेटवर्क म्हणून इथे एकत्र आलेलो आहोत। हमारा नाम अनुज है। अभी थोड़े समय से या 2-2.5 महीने से यात्रा का जब शुभारंभ हुआ है तो एक न्यूट्रल इमोशन जो है, जो निष्पक्ष है या जो एक सेक्युलर इमोशन है, वो चुप रहता था, वो वोकल होना शुरू हुआ है, दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड।
यात्रा ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे इमोशंस थे, पर जो मुख्य इमोशन है वो ये था कि हम सभी की चिंता है, हम सभी की कल्पना है कि बेहतर दुनिया हो, एक अच्छी ह्यूमन रेस डेवलप होती दिखाई दे, पर उसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अब जब से यात्रा के बारे में सुना है, पता लगा है, जुड़े हैं, क्लोजली विटनेस किया है, तो उम्मीद बनी है कि एक बीज दिखाई दे रहा है कि फिर से वो सपना साकार हो सकता है। Thank you for your heartily congratulations. The confidence of our people has entrusted us with heavy responsibility. This can be shouldered only with their continued support. Indira Gandhi. मैं नागपुर में भिड़ेगा स्कूल में पढ़ती थी 11th क्लास में, तब मैंने ये खत उनको लिखा था। रिप्लाई मिलेगा ये नहीं सोचा था मैंने। तो फिर मैं जब कॉलेज में थी तब मेरे को मेरे स्कूल में वो लेटर आया, हमारे हेडमिस्ट्रेस ने फोन करके बुलाया। माँ पिताजी को किसी को ही मालूम नहीं था घर में, सबको बहुत खुशी हुई थी और मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि उन्होंने मेरे को उस लायक समझा, क्योंकि एक छोटी बच्ची का खत पढ़ के उन्होंने रिप्लाई देना ये तो आसान नहीं था। तब बहुत ही अच्छा वातावरण था और इंदिरा जी तो एकदम रॉयल पर्सनैलिटी थी, बहुत अच्छी थी और उनको वो बहुत चाहते थे लोग। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। अभी देखो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी जो है माहौल वो बहुत खराब हुआ है, तो मैं ऐसा चाहती हूँ पहले जैसी अमन और शांति थी वैसी अमन शांति चाहती हूँ, मजहब के नाम से झगड़ा नहीं चाहती। मैं राहुल जी को बताऊंगी कि ये जो यात्रा है ये बेकरार रखे, कोई भी अड़चन आए, कितने भी डिफिकल्टीज आए, लेकिन ये चलते रहना चाहिए। अभी जो मैं हम सर के साथ चले तो हमारे रवि कोडे सर का वो सर बोल रहे थे और राहुल जी सिर्फ उनका सुन रहे थे, तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि वो लोगों को सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, नॉडिंग, नो बट ही वाज एक्चुअली रिस्पोंडिंग, ही वाज आस्किंग मोर क्वेश्चंस, ही वाज आल्सो गिविंग द इनपुट्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इस यात्रा का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो बहुत डीप होगा। हमारा शास्त्र कहता है कि जब कोई चलता है तो उसके साथ में उसका भाग्य चलता है, राहुल जी के साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं, तो इस देश का भाग्य भी खुलेगा। तो उन्होंने बोला कि आई डोंट वांट पीपल टू रिमेम्बर मी, ये एक्सपेक्टेशन की नहीं है लोगों से कि वो हमें याद रखे, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के लिए काम करते रहे। लेकिन एक विचार जब लाखों लोगों तक पहुँचता है, ये पहुंचने का काम भी उतना इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने तो अभी ऐसे डिसाइड किया कि ये यात्रा हो जाने के बाद हम लोग महानिर्धार के सब जो साथी हैं हमारे, वो 100 लेकर हम लोग महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और एक महाराष्ट्र जोड़ो यात्रा करेंगे या दूसरा कोई नाम लेंगे, लेकिन ये यात्रा का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही डीप है ऐसे मुझे लगता है, और हम लोग ऐसी बहुत सारी यात्राएं अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लेके करने वाले हैं। The father of IT revolution is Rajiv Gandhi ji. During the time of 2004, during the Congress government was been there, they have been introduced free education system here. I'm from a farmer background. So with that, I got an opportunity to study. Rahul ji came wholeheartedly to stand with us. In the Western countries, if someone loses job, the government supports them for a year or so. Even we have requested our Rahul Gandhi ji to implement this kind of structure, because after COVID, there was serious unemployment and even some families committed suicide. We have requested Rahul Gandhi ji, like when Congress is going to come into power, they should get help during the time of unemployment. I request everyone, as a human being or a citizen of this country, politics chhod do, everything chhod do, just join as a common person, you'll feel the betterness of this yatra. My
मेरा नाम सम्राट केसरी जेना है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। हाथ जोड़ के सारे भारतवासियों से कि हमें झूठ मूठ के राजनीति में नहीं आना है, हमें प्यार मोहब्बत के राजनीति में आना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना महंगाई बढ़ रहा है, महिलाओं को कितना परेशान हो रहा है, हम लोगों को कितना परेशान, 100 के ऊपर चला गया पेट्रोल, और उसमें किसको नुकसान हो रहा है? आम आदमी को नुकसान हो रहा है, इस देश को नुकसान हो रहा है। इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है, और जो आज हिंदुस्तान में नफरत, क्रोध और हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का है। हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जो राहुल जी बोलते हैं सच बोलना पड़ेगा, प्यार बढ़ाना पड़ेगा, नफरत छोड़ना पड़ेगा। डरो मत, आगे बढ़ो, राहुल जी साथ में है, कांग्रेस पार्टी साथ में है, हम लोग सब मिलके इस देश को बनाएंगे और इस देश को उन्नति के राह पे लेके जाएंगे। माझं नाव संदेश ज्ञानेश्वर भंडारे, मी पुण्यामध्ये राहतो आणि आमचे साथी जे आहेत ते साताऱ्यामधनं आलेत, बीडमधनं आलेत, उस्मानाबादमधनं आलेत आणि हिंगोलीतले एक आहे। मी स्वतः वारीचं पुस्तक आहे माझं आणि हे सगळेच कीर्तनकार आहेत। वारी परंपरा ही अशी परंपरा आहे की जी कर्मकांडांना मानत नाही। वारी परंपरा समजून घ्यायची त्यांना इच्छा होती, रादर त्यांनी आमचं ऐकलं आणि मग नंतर वारी परंपरेची टोपी परिधान केली। पायी चालण्याने लोकांच्या जीवनाशी आपण कनेक्ट होतो, सामान्य माणसाची केअर करणारा हा संतांसारखाच आम्हाला वाटतो। जो अंधश्रद्धाळू नाही, तो सायंटिफिक टेम्परामेंटवाला आहे, तो इक्वॅलिटी मानतो, जी संतांनी सांगितली समानता, जो धर्मनिरपेक्षता मानतो। राहुल गांधी जमिनीवर चालणार नेता आहे, तो विमानातनं हेलिकॉप्टरमधनं जाणार नाही, आणि जमिनीवर चालणाऱ्या माणसाला भारताच्या नागरिकांनी कायम सपोर्ट केला। विरोधी विचाराचा आपला असला तरी त्याला जेवू खाऊ घातलेले, आणि विरोधी विचाराला पण स्वीकारायचं ही वारीची परंपरा आहे, ती आता आम्हाला दिसते इथे। भारत जोडोमध्ये आम्ही जोडत आहोत फॅसिझम, फंडामेंटलिझम आणि क्रोनी कॅपिटलिझम, याच्या विरोधी आम्ही आहोत, आणि हे महत्वाचे मुद्दे राहुलजींनी घेतल्यामुळे आम्ही सगळे नागरिक म्हणून यात सहभागी आहोत। तुकोबारांचा एक अभंग आहे आणि त्याचं मला मुद्दाम आठवण करून द्यावी वाटली, कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे, हे तत्व वारकरी संप्रदायाचं आहे, आणि भारत जोडोमध्ये आम्हाला राहुलजींनी ह्याचं चांगल्या पद्धतीने दर्शन दिलं आणि त्यामुळे आम्ही प्रभावित झालो आणि या वारीमध्ये सहभागी झालो। आमची अपेक्षा आहे राहुल गांधी यांचे विचार समाजाच्या सर्व घटकापर्यंत पोहोचतील, आणि आता जी वैचारिक जे काही घुसळून प्रदूषण चाललेलं आहे, हे प्रदूषण थांबवण्याचं काम राहुल गांधी 100% करतील, आणि या प्रत्येकाने दाखवून ही सत्ता काँग्रेसची निवडून यावी आणि ती येणार आहे एक वारकरी या नात्याने आमच्या शुभेच्छा राहतील। तमाम वारकरी संप्रदाय मी राहुलजींच्या पाठीमागे आहोत। रामकृष्ण हरे। माझं नाव आकाश सदाशिव डुबे, 8 वर्षापासून मी टेलरिंग काम करत आहे। मी जेव्हा सुरुवातीला काम करत होतो, काँग्रेसचं सरकार होतं, तेव्हा GST वगैरे काय नव्हती, कोणत्याही गोष्टीचे भाव वाढलेले नव्हते, त्याच्यामुळं काम सुरळीत चालायचं। आता महागाईमुळं प्रॉब्लेम झालेला आहे, पहिले मशीन 3-3.5 हजाराला मिळत होती, आता तीच मशीन घ्यायला गेलं तर 9-10 हजार रुपये द्यावे लागतात। धागे वगैरे, मटेरियल, काच, बटन, सर्व वस्तूचे भाव 2-3 रुपये होते, आता त्याच वस्तूचे भाव 5-7 रुपये झालेले आहे, आणि हा फरक गिरायकाच्या लक्षात न येता गिरायक एवढी शिलाई द्यायला मागं पुढे बघतो, आणि आम्ही जर भाव वाढले तर गिरायक रेडीमेड कपड्याकडे वळत आहे, त्याच्यामुळे आमच्या कामावर बराच नुकसान पडलेलं आहे, त्याच्यामुळे आमचा घर खर्च व्यवस्थित निघत नाहीये। अडचणी भरपूर येत आहेत, आणि दुकान भाडं, मेंटेनन्स, लाईट बिल खूप वाढलं आहे। अशी जर परिस्थिती चालू राहिली तर कर्जबाजारी पण लवकर होण्याची शक्यता आहे। राहुल गांधी कन्याकुमारी ते काश्मीर हे पैदल यात्रा आतापर्यंत कोणी केली नाही अशी ते करत आहेत। अडचणी बऱ्याच आहेत, तर ते सामान्य लोक त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत। आमची एवढीच विनंती आहे की भाव वगैरे कमी करावे, GST कमी करावी।
आम्ही ग्रामीण भागातील डॉक्टर आहेत आणि आमचा ग्रामीण भागाची जनतेशी नाळ जुळलेला असतो. आमच्याकडे गोरगरीब आणि शेतकरी लोक पेशंट म्हणून येतात. महागाई आणि बेरोजगारी हा सध्या मेन मुद्दा आहे. महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी लढत आहेत. आमचा त्यांना पाठिंबा आहे. राहुल गांधी म्हणजे एकदा निर्मळ मनाचे आणि एक चांगले व्यक्ती आहेत आणि ते भारताला पूर्ण सर्व जाती धर्माला एकत्र करण्यासाठी पूर्ण भारतभर पैदल फिरत आहेत. त्यामुळे आम्हाला त्यांच्याविषयी एक विशेष आकर्षण निर्माण झालेले आहे. भारत जोडो यात्रा सुरू झाली तेव्हापासून आम्ही या भारत जोडो यात्रेच्या संपर्कात आहोत आणि भारत जोडो यात्रेमुळे सर्व जाती धर्मातील मतभेद मिटतील आणि भारत जोडो यात्रेमुळे सर्व समाज एकत्र येईल. वादळ वाऱ्यांचा काळ असो कठीण कितीही वाट दिसो ही वाट चालना थांबणार. अरे बघतो कोण अडवणार. आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा ध्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मना बोला मुझा संगे कोण येणार. बोला मुझा संगे कोण येणार. बोला मुझा संगे येणार ना. माझ हे एक पाऊल मिळे तुझ्या पावला सोबतीने एक होई देश ने एक होई देश आपुला. निघाली हो निघाली भारत जोडो यात्रा निघाली. निघाली हो निघाली भारत जोडो यात्रा निघाली. लाखो रंग समावून घेई इंद्रधनुषी वेश कन्याकुमारी ते काश्मीर एक संतसा देश. द्वेष ना रुजाया देऊ या पवित्र पावन भूमीवर सुख शांती नांदेल इथे प्रेमाने विणल्या रीतींवर. महागाईच्या वरती मात करू मात करू. बेरोजगारीशी दोन हात करू हात करू. प्रगतीची आस ठेवूया सद्भावनेची कास धरूया.
दिसो ही बाट चालना थांबणार अरे भक्तो कोण अडवणार आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा ध्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मनाने साध घातली आदेशाने बोला मुझा संगे कोण येणार बोला मुझा संगे कोण येणार बोला मुझा संगे येणार ना पावन भूमीवर सुख शांती नांदेल इथे प्रेमाने बिडल्या रीतींवर महागाईच्या वरती मात करू मात करू बेरोजगारीशी दोन हात करू हात करू हे प्रगतीची आस ठेवूया सद्भावनेची कास धरूया सोबतीने एक होई देश आपला
दर्शन मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया आवाज है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। कदम एक मेरा कदम मिल जाए, जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली झाँखो रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन पार्टी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, लड़ाएंगे। उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा,
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया Yeah.
असो कठिन किती ही बाट दिसो ही बाट चालना थांबणार अरे भक्तो कोण अडवणार आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा त्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मनाने साध घातली आदेशाने
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया नांदेल इथे प्रेमाने बिळल्या रीतींवर महागाईच्या
आशीष किसानों को, युवाओं को, हमारी माताएं बहनों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जो मुझे पिछले 14-15 दिनों में दिया है, जो आपने मुझे सिखाया है, वो मुझे कहीं भी सीखने को नहीं मिलता। आपका आपका प्यार, आपका भरोसा और आपकी जो समझ है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की जो समझ है, किसानों की जो समझ है, युवाओं के जो सपने हैं, माताएं बहनों का जो दुख है, ये सब आपने मुझे दिखाया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जो आपके महापुरुष हैं जिन्होंने ये बातें आपके दिल में डाली, आपके खून में डाली, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और उनका आदर करता हूं। उनके बिना ये प्रदेश महाराष्ट्र का नहीं होता। तो उनका सबका, शिवाजी महाराज, अंबेडकर जी, फूले जी, लिस्ट है, अगर मैं बोलूं तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारों को आपने पहचाना है, मगर बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति महाराष्ट्र में हैं जिनको पहचाना नहीं गया, मगर जिनके दिल में, जिनके खून में यही। तो आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अब होगा, अरे नहीं।